हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में टू फिक्स्ड मेथड का क्या कंसेप्ट होता है। जब भी हम किसी नंबर पर या कैलकुलेशन में वर्क करते हैं, किसी नंबर को कैलकुलेट करना होता है या कुछ ऐसे फंक्शन हमें बनाने होते हैं जहाँ पर नंबर के साथ प्ले करना होता है, कुछ कैलकुलेशन होते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो वहाँ पर डॉट टू फिक्स मेथड मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसके बारे में हम अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, जब भी हमें किसी नंबर को डेसिमल, जो भी डेसिमल नंबर होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इस नंबर का जो डेसिमल वाला पार्ट है इतने डिजिट तक दिखे, उसको फिक्स करना होता है, तो डॉट टू फिक्स्ड मेथड, हम जो टू फिक्स्ड मेथड है उसको हम यूज करते हैं। और यह हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है विद द नंबर रिटर्न विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द डेसिमल। मीन्स कहने का मतलब कि आपका जो, मान लीजिए हमारे पास 10.96523 इस तरीके से लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि नहीं, 10.25, 10.25 मीन्स कि डेसिमल के बाद केवल दो ही डिजिट दिखे, डेसिमल के बाद केवल थ्री डिजिट दिखे, तो वहाँ पर हम डॉट टू फिक्स्ड को कॉल कर लेते हैं। मीन्स कि टू फिक्स्ड मेथड को वहाँ कॉल करते हैं और इसके अंदर हम पास कर देते हैं कितने डिजिट हमें शो करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा एडिटर जहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वेरिएबल लेते हैं वायर एक्स, और इसमें हम कुछ डिजिट रख लेते हैं, जैसे 8.6245 इस तरीके से मैंने एक डिजिट रख लिया, नंबर रख लिया। मीन्स कि यह हमारा एक नंबर हो गया जो कि 8.6785, इसको हमें प्रिंट कराना है अलग अलग फिक्स्ड वैल्यू के साथ। मीन्स कि हम चाहते हैं कभी किसी वेरिएबल में हमारा 8.6 ही आए, कहीं हमारा 8.67 आए, दो डिजिट तक आए डेसिमल के बाद। इसको कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसके एचटीएमएल में ही प्रिंट कर लेते हैं। लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, डेमो लिखते हैं, डेमो, और यहाँ पर डॉट इनर एचटीएमएल, और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्स है डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, टू फिक्स्ड मेथड को हमने लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं, ठीक है, मीन्स कुछ भी हमारा यहाँ पर ना हो, ठीक है। यहाँ पर इतना प्रिंट कराते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 9 आ गया, 8.67 इस तरीके से हमने लिख दिया कि जीरो के मीन्स डेसिमल के पास कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, केवल सिंगल मीन्स की इंटीजर में आना चाहिए यहाँ पर। तो क्या हो गया, 6785, मीन्स यहाँ पर 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको राउंड फिगर करने के लिए यहाँ पर 1 कर दिया जाता है। अगर इसको 6 को मैं यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, तो केवल 8 प्रिंट करेगा, देखिएगा यहाँ पर 8 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा वैल्यू कोई रखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमने 7 रख लिया, तो यहाँ पर इसका 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, देखिए 9 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं डेसिमल के बाद हमें दो डिजिट तक दिखाना है, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा, मीन्स कि हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर 8.78 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगेन जिस डिजिट के बाद हमें रिमूव करना होता है उस डिजिट को चेक किया जाता है, जैसे 2 है तो 7.7 हो गया, तो 8.77 आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद वाला जो डिजिट है जिसे हमें हटाना है वो 5 से ज़्यादा है, तो एक इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर 8 पर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं जो 5 से कम हो गया, तो 8.77 आ जाएगा, देखिए 8.77। ये मैथ का कैलकुलेशन, जब भी हमें ऐसा करना होता है तो उसको राउंड फिगर करना होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 8 कर दिया, 7.78 कर देगा, ठीक है, 7.8 कर देगा। यहाँ पर इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि 4 डिजिट तक आए, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो टोटल इस तरीके से प्रिंट कर जाएगा जो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 और हमारे पर पास यहाँ पर डॉट के बाद 4 ही है, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए 00 ऐड कर देगा, मीन्स कि इसको इसके बाद हमने फिक्स कर दिया कि 6 आना ही है, तो यहाँ पर क्या कर लिया, अलग से 00 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो फिक्स मेथड है इस चीज़ को फिक्स करता है कि डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट तक वैल्यू को दिखाना है।
तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख कर बता रखा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।